स्वागत आप सभी का वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा फोन पे से किसी भी बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। मैं आज के इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन को यूज करते हो और फोन पे से आप किसी के भी अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ चुका मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे आपको फोन पे से मनी ट्रांसफर कैसे करना है बैंक अकाउंट नंबर पर। तो उसके लिए आपको फोन पे को ओपन करना है। अगर आपके पास फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो फोन पे एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके सामने फर्स्ट में ही चार ऑप्शन आएंगे ट्रांसफर मनी के। चार ऑप्शन आएंगे, पहला टू मोबाइल नंबर का और सेकंड ऑप्शन आएगा टू बैंक यूपीआई आईडी। तो आपको टू बैंक यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर एक नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड इन बैंक अकाउंट, तो आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप जिसको पैसा भेजना चाहते हो, जिसके अकाउंट नंबर पर पैसा भेजना चाहते हो, उसका जो बैंक है वो, मतलब उसका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। तो आपको जिसको भी आप पैसे भेज रहे हो, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड को पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड से पता कर चुका हूँ कि भाई उसका जो अकाउंट है वो SBI बैंक में है। अब आपको भी पता कर लेना है उसका अकाउंट जिस भी बैंक में है, आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। चलो उस जिसको मुझे पैसे भेजना उसका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इधर पर आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, इधर पर आपको अकाउंट नंबर दे देना है और इधर पर आपसे नीचे की तरफ IFSC कोड भी मांग सकता है। जैसे कि मेरे में बोल रहा है कि आपको IFSC कोड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे IFSC कोड मांगता है तो उसकी पासबुक में अकाउंट नंबर के नीचे IFSC कोड भी लिखा रहेगा, तो वो आप इधर पर दे सकते हो। तो चलो मैं अकाउंट नंबर की डिटेल को इंटर कर देता हूँ। आप जैसे अपने अकाउंट नंबर की डिटेल को इंटर करोगे तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और जैसे आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जिसका अकाउंट है, होल्डर का अकाउंट है, जिस अकाउंट होल्डर का नाम इधर पर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो व्योम ताम्रकाल लिखा आ चुका है। उसके बाद आपको निकनेम से सेव कर लेना है, जैसे कि मैं निकनेम से सेव करूँगा इधर पर, सिंपल से मैंने अपने अकाउंट को सेव कर लिया निकनेम से, और इधर पर मैं आपके सामने निकनेम से सेव कर लूँगा। उसके बाद आपको प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन में तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पैसे भेजना है तो आपको सिंपल सा अमाउंट सेलेक्ट करना है, सिंपल सा अमाउंट टाइप करो और पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो, और आपका UPI पिन मांगेगा, आपको ब्लैक ब्लैक देखने के लिए मिल रहा होगा, UPI पिन दे देना। और UPI पिन देने के बाद आप इधर पर देखोगे तो अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी के भी बैंक अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो फोन पे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, आप चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।